हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे गेम किलर का इस्तेमाल करके कोई भी गेम को हैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गेम किलर को ओपन करा, ओके। राइट साइड पे ये जो बटन है, इसे सर्च बटन के ऊपर इसे हम दबा के इसे मिनिमाइज़ कर देंगे। अब एक कोने में छोटा सा आइकन आ गया उसका, गेम किलर का। इसकी मदद से हम गेम किलर को ओपन करेंगे गेम के दौरान। तो हमने गेम ओपन करा जिसे हम हैक करना चाहते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हमने गेम किलर के फुल वर्जन का इस्तेमाल करना है करा है। तो इस वजह से आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें था, जिसमें हमने बताया है कि हम कैसे गेम किलर के फुल वर्जन को अनलॉक करते हैं। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लें। उससे गेम किलर से हैकिंग बहुत आसान हो जाती है। चलिए अब हम दिखाते हैं, हम कार को हम हैक करना है नॉर्मली। जब आप गेम किलर के फुल वर्जन का इस्तेमाल करेंगे तो आप फिक्स्ड वैल्यू को भी हैक कर सकती हैं। जैसे कि अभी 4000, ये चेंज नहीं होगी, 4000 ही रहेगी। लेकिन अगर आप इसका जो ट्रायल वर्जन है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सिर्फ वो चीज़ हैक कर सकते हैं जो चेंज हो सकती है, जैसे कॉइन या वैल्यू, स्कोर, उन सबको। तो हम आपको दिखाएँगे कैसे हम कार को हैक करते हैं। हमारे पास 354 रुपीज़ हैं और ये 4000 की कार है, तो हम कैसे चेक करेंगे? नॉर्मली गेम किलर के आइकन पर टैप करिए और जो वैल्यू है जिसे हम खरीद रहे हैं उसे यहाँ पे डाल दीजिए। और हमने 4000 डाला। अब सर्च पे टैप करके आप ऑटो आइडेंटिफाई पे टैप कर दें। अभी बहुत सारी वैल्यूज़ आ गई। अगर आप ट्रायल वर्जन का इस्तेमाल कर रहे होते तो आपको बारी बारी एक एक वैल्यू को मॉडिफाई करना पड़ता, लेकिन हम फुल वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंपली 3 लाइन पर टैप करिए, डेटा कंट्रोल, और यहाँ एक ऑप्शन होती है मॉडिफाई ऑल वैल्यूज, इस पर क्लिक करके, और ये सारी वैल्यूज़ को एक ही बार मॉडिफाई कर देगा। लेकिन ध्यान की बात ये है कि इसमें ज़ीरो कभी ना लिखें, कि आप सोचें कि ज़ीरो लिख के ओके कर दे सब ज़ीरो हो जाएंगे, तो इससे ये होगा कि गेम क्रैश हो जाएगा। तो आप कोई अच्छी वैल्यू लिखें जो सही रहे, जैसे कि अभी हमारे पास 300 रुपीज़ हैं, तो हम लिख देते हैं 200 समथिंग 250, कुछ भी आप लिख सकते हैं। हाइयर, हमारा मोबाइल इस वक्त बहुत हैंग हो रहा है, तो फिर जैसे हम हाई वैल्यू लिख रहे हैं ताकि गेम क्रैश ना हो। हमने ओके पे टैप करा और सिंपली बैक, और ये अगर आप और हैकिंग करना चाहते हैं तो इसे दबा के मिनिमाइज़ कर दीजिए गेम किलर को, या फिर यहाँ से अगर आप और हैकिंग नहीं करना चाहते तो सिंपली एग्जिट कर दें। हम और हैकिंग नहीं करना चाहते, इस वजह से एग्जिट कर दिया। अब आप इसे यूँ एक बार रिफ्रेश करिए, दोबारा लाइए, आप देखिए, आप देख सकते हैं कि 4000 से 250 में चेंज हो चुका है। हम रेस पे सिंपली क्लिक करेंगे और देखिए, एक 4000 की कार हमने 250 में ख़रीद ली। तो है ना कमाल की चीज़। तो आप सोचेंगे कि हमने एक सिंपल छोटा सा गेम हैक करके दिखाया, तो दरअसल हमारा मोबाइल में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है इस वक्त, जो कि मतलब हम कोई बड़े गेम को हैक करने की कोशिश करते हैं तो वो क्रैश हो जाता है। जैसे कि अभी ये क्रैश हो गया, तो आप को इस वीडियो को देख के एक सिंपल मेथड, नॉर्मल मेथड तो पता चल गया होगा, जिससे इसी सिंपल मेथड का इस्तेमाल करके आप कोई सा भी गेम हैक कर सकते हैं। हमारे मोबाइल में इस वक्त कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, जिससे अगर हम कोई बड़े मोबाइल मतलब बड़ा मोबाइल में अपने बड़े गेम को, जैसे कोई जोम्बीज वर्ल्ड वार, ऐसे बड़े गेमों को हैक करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है जो इस वक्त स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है वो ऑफ हो जाता है, जिससे सारी वीडियो दोबारा से बनानी पड़ती है हमें। तो हमने एक सिंपल गेम को हैक करके आपको एक तरह से एक एग्जांपल के तौर पे दिया है। आप सिंपली इसी मेथड को फॉलो करके कोई सा भी गेम हैक कर सकते हैं। अब हम आपको जो कुछ कमियां हैं उसकी, गेम किलर की, वो बताएंगे। हम आपको इस वीडियो में हम सब सच बताएंगे, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा तारीफ़ कर दें गेम किलर की, कि सब कुछ कर सकता है, सारे गेम हैक अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए। हम सिंपली सिंपल आपको सब वो चीज़ बताएंगे जो सच है। तो हम आपको बताएंगे कि गेम किलर भी हर गेम मतलब हर वैल्यूज़ को हैक नहीं कर पाता है। ये काम किस तरह से करता है? ये काम करता है, ये पूरे गेम को, हम जैसे 4000 टाइप करा गेम किलर में, तो ये पूरे गेम को स्कैन करेगा और इसमें चेक करेगा कि कितनी वैल्यूज़ 4000 है। तो कुछ लिमिट है, मान लीजिए 100 वैल्यूज़ हैं, तो ये उन्हें शो कर देगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा वैल्यूज़ सेम मतलब उस नंबर की हुई, जैसे 4000 की बहुत सारी वैल्यूज़ होती, तो फिर ये शो नहीं करता। क्योंकि अगर गेम में कुछ वैल्यूज़ कोडिंग में इस्तेमाल होती हैं जो प्रोग्रामिंग के तहत, तो अगर उनको चेंज करा जाए तो गेम ख़राब हो सकता है। तो इसी वजह से इसमें कोई लिमिट है जो 100 वैल्यूज़ को शो कर देता है, फिर हम उन्हें चेंज कर सकते हैं।
जब हम चेंज करते हैं तो वो मॉडिफाई मतलब हमारी चीज़ को ख़रीद देता है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा होगा जो आप हमसे कहेंगे फिर आगे कमेंट करके कि ये तो हैक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमने पहले ही आपको बता दें कि बहुत सी जगह आप जैसे कोई वैल्यू आप कोई गन या कुछ भी हैक करने जाएंगे तो वहाँ ऊपर बहुत सारी वैल्यूज़ लिख के आ जाएंगी। हम आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर किस तरह से आएंगी। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वैल्यूज आती हैं। अब हम सिंपली कोई नंबर जैसे मान लेते हैं आप अगर इसमें कोई कार होती 112 की और हम उसे सर्च करते ऑटो आइडेंटिफाई करते तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर आ गया है फाउंड 89,896 आइटम्स। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये नंबर गेम के अंदर इतनी बार रिपीट हुआ है, तो हर बार ये चेंज करेगा तो गेम ख़राब भी हो सकता है, तो इस वजह से इसे ये हैक नहीं कर सकता। तो अगर मान लीजिए कोई गन या कोई भी चीज़ बहुत जिस वैल्यू की है, मान लीजिए कुछ 1000 या 100 उतने की है और वो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो गेम किलर उसे हैक नहीं कर पाएगा, वहाँ पे ये काम नहीं करता। तो हमने आपको जो भी इसकी कमियाँ थी सब कुछ बता दिया है और एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक मेथड बता दिया। अब आप जैसे हमने इस गेम छोटे से गेम को हैक करके दिखाया था, ऐसे ही आप कोई भी बड़ा सा गेम हैक कर सकते हैं। हमारे मोबाइल में तो टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी मोबाइल और कंप्यूटर और जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।